नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। वीडियो मैंने कल जहाँ पे एंड किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। ये रहा, आज मैंने बिना मक्खन निकाले घी निकाल दिया है और यहाँ पर मैं सीधा दाल चावल खा रही हूँ। रोटी नहीं खाया, रोटी मन नहीं हुआ, लेट भी हो गया था ऐसे ये वो काम करते करते। और ये रहा यहाँ पर सारा सामान जो है निकाल रखे हैं, इन सबको मैं अभी लपेट करके रख रही हूँ। अलग अलग जो कुछ भी था, कुछ तो मैंने रख दिया है। अभी ब्लैंकेट वगैरह फिर करना है, जोली परी दोनों का गर्म के कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह और छोटे छोटे कंबल, वो सब सारा अलग अलग रख दूँगी। ऐसे बेड हटाने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा था नट खोलने के बाद, बस जो सामान देख के मन नहीं हो रहा था इतना सारा, क्या करूं क्या नहीं ऐसे लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आराम आराम से हो गया है। और कुछ कपड़े तो मैंने उतार दिए हैं, कुछ कपड़े जो नहीं सूखे हैं उसको मैंने डबल डबल सुखाया था, थोड़ा हटा के अलग अलग कर दिया है। और ये रे कुछ यहाँ पर कर्टन वगैरह मैंने धो रखा था, उन सबको अभी लपेटना है। जो डबल बेड के अंदर से निकाला था वो सबको तो ऐसे लपेट करके रख दिया है, रखेंगे करके सो रहे थे तो फिर नहीं किया, आराम कर रहे थे। और ये मैं कल शनि बाज़ार गई थी, जो सब्जी वब्जी मिला मैं वही लेके आई हूँ। हिमानी के साथ गए थे ऐसे, साग लोबिया वही बरबट्टी आलू प्याज भिंडी बीन्स यही सब, और हरी मिर्च धनिया चटनी और वो पुदीना वो सब भी लेके आए थे, चटनी बनाएंगे करके। और ये रात का खाना है ऐसे, मैं आज रोटी ले रही हूँ, बच्चों को दे दिया है। और थोड़ा सा मैंने लोबिया की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड दोनों के लिए, हस्बैंड और हिमानी के लिए। और मैंने लोबिया नहीं लिया, मैं दिन का छोले बचा हुआ था तो मैं उसी से ले रही हूँ। सबने खा लिया है ऐसे खाना, बस मैं ही बच गई हूँ। और ये रेडोली परे दोनों यहाँ आम के साथ खा रहे हैं, आम भी ला दो आम के साथ खाएंगे बोल रहे थे तो यहाँ आम भी ला दिया था दोनों के लिए। और ये आज मॉर्निंग का व्लॉग है, आज बैंगन और आलू की सब्जी बन रही है मेरे घर में। क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जो मुझे सही जल्दी बनेगा वही लगा, जल्दी बनेगा करके ये जल्दी बन जाता है, तो मैंने यही काट दिया था आलू बैंगन ही। ऐसे मुझे ग्रेवी पसंद है खाना के साथ, रोटी के साथ ऐसे इतना पसंद नहीं है। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है ताकि जल्दी से पक जाए। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने लगा दिया है, पहले नाश्ता वगैरह कर ले रहे हैं, फिर और ये वो काम करना है बोल रहे हैं। बरांडे का जो बेड है उसको भी हटा देंगे, यहाँ सोफा बिछा देंगे। अंदर रूम में जो है बहुत कम जगह बच रहा है इस वजह से, तो पहले हम यहाँ नाश्ता वास्ता कर ले रहे हैं, साथ में दूध दे रही हूँ। और हम सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर ये रहा ये वाला जो बेड है इसको हटाएंगे, मतलब यूज नहीं हो रहा है कभी कभार। हाँ हम ही सो जाते हैं, या तो स्कूल से आने के बाद बच्चों को जब ले आते हैं तो यहीं बैठ लेते हैं, थोड़ा सा हवा अच्छा लगता है। नहीं हटाएंगे बोल रहे थे। और कुछ सामान सब भी नीचे रखा रहता है ऐसे जो यूज नहीं होता है, कम से कम ये सबको भी रखने का यहाँ हो जाएगा बोल रहे थे। ये रहा कुछ कपड़े सब भी मैंने सारा रख दिया है, और सारा निकाल रखी हूँ जो भी फोल्डिंग के नीचे था, ये रहा हटा दिया है। आप यहाँ साफ करना है फिर यहाँ पर सोफा ले आएंगे। यहाँ ऐसे हवा भी अच्छी लगती है, बारिश के टाइम पर भी अच्छा लगता है, तो यहाँ इसलिए बेड ही बिछाएंगे सोच रहे थे ऐसे। और ये रहा सोफा बिछा दिए हैं यहाँ पर, सिंगल ही बिछाए हैं, एक साइड तो मशीन रखा है, तो सोफा सेट यहाँ लगा देंगे तो फिर और नहीं हो जाएगा करके, जगह एकदम गिच पिचा लग रहा था। और ये रहा बालकोनी में इधर इस साइड रख दिया है बेड सब, कूलर हो गया सिलेंडर मशीन और झाड़ू वाड़ू कुछ तो ऐसे यूज नहीं हो रहा है, ये सब भी देना है कूड़े वाले को। ये रहा साइड में रख दिया है, जब अगर कोई आएंगे तब निकाल लेंगे, अभी तो ऐसे रख दिया है। और डोरमेट वगैरह भी धो दिया था ऐसे सारा ही। और डोले पर ही दोनों नहा लिए थे, उसके बाद बोल रहे थे इन दोनों को भूख लग रही है,
तो इन दोनों के लिए मैंने छोले रोटी बना दिया था। फिर ये सब करने के बाद मैंने भी थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह साफ कर दिया था, पंखा वगैरह। उसके बाद फिर मैं भी नहाने चली गई थी जोली परे दोनों को ये रोटी सब देने के बाद। यहाँ पर मैं भी नहा के आ गई हूँ और अभी ऐसे दिन का दाल चावल करना है। सब्जी तो बचा हुआ है, लोबिया भी रात का बचा हुआ था, वही सब थोड़ा बहुत गर्म कर लूँगी। दाल ऐसे कम है, पहले हम सब खा लेंगे फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चढ़ा दूँगी, अभी भूख भी लग रही है। और ये यहाँ पर मैंने दाल चावल निकाल दिया है, थोड़ा सा लोबिया की सब्जी है रात का और आलू बैंगन की सब्जी, दाल ऐसे सब्जी रहता है तो मैं सब्जी से ही खा लेती हूँ, दाल नहीं लेती हूँ। बच्चे बोल रहे थे डोली परे दोनों कि दाल चावल खाएंगे तो उन दोनों के लिए निकाल रखी हूँ। और ये रही इस साइड में दाल चढ़ा रखी हूँ और ये चावल तो तैयार हो गया है ऐसे। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।